आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे अच्छा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। हम बेसिकली तीन तरह की मैनेजमेंट पढ़ते हैं क्लास 12 के अंदर, एक बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और तीसरी मार्केटिंग मैनेजमेंट। हम तीन तरह की मैनेजमेंट पढ़ते हैं बिजनेस स्टडी के अंदर, ठीक है। और यही आगे जाके आपको जब एमबीए करते हो आप तो आपको बोला जाए चूज कर लो, एमबीए फाइनेंस करना चाहते हो, एमबीए मार्केटिंग करना चाहते हो या एमबीए बिजनेस करना चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन, आपको बोला जाए चूज कर लो। यही मैनेजमेंट को आगे जाके हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो ये बहुत थोड़ा है, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट। आगे बहुत बड़े में पढ़ोगे, बीकॉम के अंदर और अच्छा पढ़ोगे, फिर एमबीए में और अच्छा पढ़ोगे। जो बच्चे मैनेजमेंट करेंगे, जो बच्चे अकाउंट्स की लाइन में जाएंगे वो फिर सीए की लाइन में चले जाएंगे, वो बीकॉम करके आगे चले जाएंगे। जो एमबीए करेंगे उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है जी, आगे भी काम आएगी। हम सबसे पहले इस चैप्टर में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पैसे की मैनेजमेंट। पैसे की मैनेजमेंट क्या करनी होती है कंपनी के लिए, पैसा आएगा कहां से, आ गया तो उसे लगाया कहां जाएगा दूसरा, और तीसरा कैसे कमाया जाएगा, मतलब लगाने के बाद प्रॉफिट हो जाएगा तो उसे बांटा कैसे जाएगा। ये तीन चीजों की मैनेजमेंट होती है इस पूरे चैप्टर के अंदर। अगर आप चैप्टर का सार समझ लो, जैसे गीता का सार है ना वैसे इस चैप्टर का भी सार है, वो ये है कि भैया पैसा आएगा कहां से पहली बार, दूसरा पैसा आने के बाद कहां पे लगाया जाएगा, और तीसरा लगाने के बाद जब कमाई हो जाएगी तो उसे बांटा कैसे जाएगा। यही तीन चीजें होती है पैसे की मैनेजमेंट। और क्या है मनी मैनेजमेंट, यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। फ्रॉम वेयर द मनी विल कम, क्या सोर्सेज हैं, अब वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन सा सोर्स अच्छा है, कौन सा सोर्स गंदा है, कौन सा सोर्स बेनिफिट है, कौन सा सोर्स बेनिफिट, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर बेसिक इस चैप्टर का सार देखें तो इस पूरे मैनेजमेंट के अंदर, पूरे मैनेजमेंट के अंदर हम फाइनेंशियल मतलब होता है फाइनेंस, पैसा, पैसे की मैनेजमेंट। पैसा आ चुका उसे मैनेज करना अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है, वो मैनेज करना किसका काम है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन पैसा आएगा कहां से, वो फाइनेंशियल कंट्रोलर का काम है, इट इज हिज जॉब। अब समझे दोनों में फर्क, ऑलरेडी पैसा आ गया, हमने अपने अकाउंट्स के कैशियर को दे दिया, उसको बोल दिया भैया पैसा बांटना शुरू कर दे लोगों को, उसने बांटना स्टार्ट कर दिया, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ मनी आफ्टर मनी हैज ऑलरेडी अराइव्ड। लेकिन यहां सबसे पहले ये मैनेज किया जाता है कि पैसा आएगा कहां से, फ्रॉम वेयर द मनी विल कम। अभी आप कंपनी में जब लगोगे फाइनेंशियल कंट्रोलर, एमबीए फाइनेंस करोगे आप, और एक अच्छी कंपनी में आपको फाइनेंशियल कंट्रोलर की जॉब मिलेगी, उनका नाम होता है फाइनेंशियल कंट्रोलर। आप फाइनेंशियल कंट्रोलर लगोगे किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी के अंदर, आपकी सैलरी $4,000-$5,000 होगी, तो आपका सबसे बड़ा टारगेट होगा टू ब्रिंग द फाइनेंस। बॉस बोलेगा वी वांट टू एक्सपेंड द बिजनेस, आपको बुला के बोलेगा तनुषि ऊपर आओ, हमारा प्लानिंग है वी वांट टू एक्सपेंड द बिजनेस। प्रोडक्शन वालों के साथ बात हो गई है, सेल्स के साथ बात हो गई है, मार्केट रेडी है, वी हैव टू एक्सपेंड द बिजनेस बट वी नीड मनी। वो आपसे पूछेगा पैसा कहां से लाए, अब आप देखोगे वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। अगर पब्लिक कंपनी तो आप बोलोगे सर शेयर्स इशू करते हैं, लेट अस अप्लाई फॉर द शेयर्स, हम ऑथराइज लेते हैं सेबी से और मार्केट में शेयर इशू कर देते हैं। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो फिर आप कहोगे सर लेट्स गो टू बैंक, हम बैंक की तरफ जाते हैं, ठीक है जी, या पब्लिक डिपॉजिट की तरफ जाते हैं। वैसे ले नहीं सकती प्राइवेट कंपनी, लेकिन अंतर खाते सब चलता है। मतलब पैसा कहां से आएगा, तो पैसा आने के दो ही सोर्स है, या तो शेयर्स या तो डिबेंचर्स, या तो मतलब या तो लायबिलिटी है, या तो बोरोड फंड है, या ऑनर्स फंड है ना। फिर कौन से वाला बेटर है वो आपसे पूछेगा। हमें मान लो पब्लिक कंपनी में आप काम करते हो, हमें मार्केट में शेयर इशू करने चाहिए, वो हमारे लिए फायदेमंद है, या हम मार्केट में से लोन उठा लें वो हमारे लिए फायदेमंद है, वो आपसे पूछा जाएगा, बिकॉज यू आर द फाइनेंशियल कंट्रोल। उसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके अंदर कितना पैसा बोरोड होगा और कितना पैसा कैपिटल का होगा, ये बात देखी जाएगी। फिर जब पैसा आ गया, एक बार मार्केट से पैसा आ गया, बैंक में पैसा पहुंच गया, आपने शेयर अलॉट कर दिए, उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, पढ़ा था ना फिर कैश फ्लो में क्या होता है, उसके बाद हाउ टू इन्वेस्ट द मनी, इन्वेस्टमेंट कहां करनी है उस पैसे की, जुए में लगा दे रातों रात डबल हो जाए, जुआ खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए, असेट्स बाय किए जाए।
असेट्स बाय किए जाएंगे। अब जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है उसको ज्यादा असेट्स चाहिए, जो कंपनी ट्रेडिंग का काम करती है उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। देखना पड़ेगा कंपनी कैसी है, तो फिर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इन्वेस्ट हो गया, इन्वेस्ट होने के बाद काम शुरू हुआ, काम करके आपने प्रॉफिट कमाया। फिर तीसरा बड़ा काम होता है एक कंपनी के अंदर कि उस प्रॉफिट को बांटा कैसे जाएगा, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, मतलब कितना पैसा प्रॉफिट में बटेगा, कितना पैसा दोबारा कंपनी में रीइन्वेस्ट कर दिया जाएगा, कितना रिजर्व में चला जाएगा, कितना लोगों की जेब में चला जाएगा, मतलब डिविडेंड कितना बांटा जाएगा। तो फिर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तीन तरह के बड़े काम किए जाते हैं, पूरे चैप्टर का सार समझा रहा हूं मैं करने से पहले। इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मींस मनी, बट हियर आप मिसअंडरस्टैंडिंग में चले जाना कि फाइनेंस मतलब पैसे को मैनेज करना। वो पैसा जो ऑलरेडी हमारे पास आ गया है उसको मैनेज करने से पहले पैसा कहां से आएगा, आने के बाद कहां इन्वेस्ट किया जाएगा, और इन्वेस्ट करने के बाद जब कमाई हो जाएगी उस कमाई को बांटा कैसे जाएगा। ये तीन मैनेजमेंट होती है इसके अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। ये भी सेम वही है बिजनेस मैनेजमेंट। जब हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं उसके अंदर एक पार्ट है फाइनेंस मैनेजमेंट, उसी का एक पार्ट है ये, क्योंकि बिजनेस के अंदर फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। जब तक फाइनेंस को ठीक से मैनेज नहीं किया जाएगा कोई बिजनेस चल नहीं सकता, कोई बिजनेस उठ नहीं सकता, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता बिना पैसे के। ये आप भी अच्छे से जानते हो, फर्स्ट मिनट इज द फाइनेंस। ठीक है, तो चलो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? बहुत लंबे टॉपिक्स है, बहुत सारे, जैसे करें पांच पांच टॉपिक लिख लें, एक पेज खाली। हाँ, पहला पेज छोड़ दो, फर्स्ट पेज उस पर लिखो पांच टॉपिक, पहले पांच। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मीनिंग कर सकते हो, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, और फिर फाइनेंशियल डिसीजंस। फिर इसमें तीन तरह के डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, पहले इन्हीं टॉपिक्स को करते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर, वेरी बिग चैप्टर, वेरी कंफ्यूजिंग चैप्टर्स। इन चार चैप्टर को करने के लिए आपको डेली जाके घर में पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि अब इसमें प्रैक्टिकल भी होगा, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आएगा बीच में आके। ठीक है जी, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल के भी आएंगे, इसीलिए अब वहां बिजनेस स्टडी की वो स्टेज आ गई जहां पे आप डिले नहीं कर सकते आप पढ़ने से। एक दिन भी पढ़ाई नहीं की घर जाके तो नेक्स्ट डे समझ ही नहीं आएगा आप पढ़े क्या थे कल। ठीक है, इसीलिए साथ के साथ पढ़ाई करनी होगी बीएससी के अंदर, अब वो टाइम आ गया। ठीक है, चलो तो डेफिनेशन पे आते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड as planning, comma, organizing, comma, directing and controlling the financial activities of an organization. It is concerned
इट का मतलब है यहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड मतलब इनफ्लो आउटफ्लो फ्लो ऑफ फंड एंड इन्वॉल्व डिसीजंस रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स प्रोक्योरमेंट मतलब फंड्स का आना प्रोक्योरमेंट PROCURE प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कॉमा इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स टू द ऑनर्स इन शॉर्ट देर आर थ्री डिसीजंस इन्वॉल्व इन दिस मैनेजमेंट नंबर वन फाइनेंसिंग डिसीजन उसके सामने ऐसे लिखो इधर लिख रहे हो नंबर वन फाइनेंसिंग डिसीजन सामने है चल के लिखो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स जो आपने ऊपर लिखा है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स नंबर टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स लिख लिया प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है फंड्स का कहां से आना नंबर टू इन्वेस्टिंग डिसीजंस उसके सामने लिखो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स और नंबर थ्री डिविडेंड डिसीजंस उसके सामने लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स बस और कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर में इसी को तोड़ तोड़ के बड़ा कर करके समझाया गया और चैप्टर में कुछ है नहीं चैप्टर में इतना सही है हम यही तीन डिसीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं ज्यादा कुछ डिटेल में हम जाते नहीं इसी को पढ़ेंगे हम और डिटेल में पूरे इसी को मिट्टी को हम खोदेंगे और पढ़ेंगे इससे ज्यादा डिटेल में हम जाते नहीं ठीक है जी इतना ही हम पढ़ते हैं इसको भाई चलो आ जाओ आगे अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो मेरी बात सुनो पता है कंपनियां जो है ना ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना फाइनेंस डिपार्टमेंट्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स दे आर ऑल एन एक्सपेंस फॉर अ कंपनी ये कंपनी के लिए खर्चा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माल प्रोड्यूस करता है उसको सेल्स डिपार्टमेंट बेचता है दोनों मिलकर कंपनी में पैसा लाते हैं दे आर रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट उस पैसे को मैनेज करता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट मतलब वहां एक्सपेंस होता है कुछ जनरेट नहीं होता और ऐसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट भी पैसे को मैनेज करता है लेकिन वहां कुछ जनरेशन नहीं होती ऐसा आम लोगों का सोचना है ऐसी आम लोगों की सोच है कि बिना अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भी काम चल सकता है
अरे भाई जो पैसा है उसको जगह पे लिख लो, शाम को जो खर्चा हुआ उसको भी लिख लो, अगले दिन सवेरे फिर पैसा हमारे हाथ में होगा। ऐसे काम अक्सर दुकानदार, छोटे बड़े दुकानदार ऐसे काम करते हैं, लेकिन कंपनी ऐसे नहीं चलती। आपकी गली मोहल्ले की दुकान चल सकती है, दूध वाला सब्जी वाला चल सकता है, क्योंकि वो अकाउंटेंट नहीं रखते, लेकिन आम कंपनी ऐसे नहीं चलती। ठीक है जी, तो एक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, इसके लिए इतने बड़े आदमी को अपॉइंट किया जाता है फाइनेंशियल कंट्रोलर, उसको $4,000 सैलरी दी जाती है, उसके पीछे का लक्ष्य क्या होता है, व्हाट इज द टारगेट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, हम क्यों करते हैं ये सब, मालूम है। अगर हम दो तरह के ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन सबके दिल में इच्छा होती है, मालूम है क्या, ज्यादा कमाने की, ज्यादा पैसा कमाने की। हर एक मालिक क्या चाहता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा कमाया जाए, मेरी वेल्थ जो है वो बढ़ती चली जाए, हेल्थ नहीं, हेल्थ तो बढ़ी रही है, वेल्थ बढ़ती चली जाए, मेरी जो वेल्थ है वो बढ़ती चली जाए, पैसा जो है मेरा बढ़ता चला जाए, यही चाहता है हर मालिक। लेकिन एक कंपनी की वेल्थ कैसे बढ़ सकती है, एक कंपनी की वेल्थ कैसे बढ़ सकती है, एक कंपनी का पैसा कैसे बढ़ सकता है, अगर कंपनी के मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ जाए, बढ़ जाएगा ना। अगर 100 रुपए का शेयर है, अब 200 में बिकेगा, तो कंपनी 100 रुपए का क्या कमाएगी, बताओ सीधा सीधा क्या कमाती है, बताओ, कैपिटल प्रॉफिट। अभी तो पढ़ के आते हैं चैप्टर, शेयर्स का चैप्टर है ना। तो किसी भी कंपनी की वेल्थ अगर बढ़ानी हो तो मार्केट में उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाए तो कंपनी की वेल्थ बढ़ती, रातों रात कंपनी अमीर हो जाती है। आप कभी शेयर मार्केट न्यूज नहीं सुनते, मुझे मालूम है, क्योंकि आपको वो काला चश्मा जसदा वाले गाने से बाहर नहीं आ रहे आप। अगर आप थोड़े शेयर मार्केट की न्यूज सुनो, नहीं आजकल वो आ गए गर्मी गर्मी वाला, मैं सुनो, अगर आप थोड़ा सा इन गानों से, गंदे गानों से बाहर आ जाओ दुनिया में, और थोड़ा सा समझो कि आप इकोनॉमिक्स अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, और वो गंदे पंजाबी गाने अगर आप उनसे बाहर आ जाओ, थोड़ा सा बाहर इनसे आके अगर आप सोचोगे ना, आप थोड़ी सी न्यूज अगर आप सुनने स्टार्ट करो, इकोनॉमिक्स की जो न्यूज आती है, फाइनेंशियल न्यूज आती है, या इकोनॉमिक्स का पेपर आता है बुधवार वाले दिन, ट्रिब्यून का उसमें एक पेज आता है, उन्हें पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको बहुत अकल आएगी। क्योंकि ये गंदे गाने जो है ना, जिसमें छोटी ड्रेस डाल के डांस करवाया जाता है और आपका दिल बहलाया जाता है, उसमें कुछ नहीं है। जितने पंजाबी सिंगर है ना, अगर मेरा बस चले सबको फांसी दे दे, सच कह रहा हूं। जितना जितना पंजाबी सिंगर आज की दुनिया में बच्चों को बिगाड़ रहे हैं ना, उतना कोई भी नहीं बिगाड़। पंजाबी विरसा ये था ही नहीं बच्चों, हमारे विरसे में इज्जत, सामने वाले की भी इज्जत, लड़कियों की भी इज्जत, खुद की भी इज्जत थी, हमारा विरसा ऐसा था, हमारे विरसे में सेक्रीफाइस था, पता नहीं कहां से घुस गए है? और एक भी सरदार नहीं है, एक भी पक्का सरदार नहीं है, ना ना ना, तो पगड़ी बांधी मेरी तरह सरदार, तो मेरी तरह वो भी नहीं, मैं भी नहीं, एक भी पक्का सरदार नहीं है, है? और लेकिन सब पंजाबी गाने गा के पैसा कमा रहे हैं, मतलब दो यहां से गोरियां ले ली, दो यहां से इंडियन ले ली, दोनों को मिक्स कर दिया, कपड़े छोटे कर दिए, और लड़कों को दिखा के बोला गाना बहुत अच्छा, हाँ ऐसे कर रहे, वो ऐसे ऐसे करके निकल, आई मीन छोड़ो हम उससे बाहर आते हैं, ये हमारा विरसा नहीं था, दिस इज नॉट आवर कल्चर, इट वॉज नॉट आवर कल्चर एंड इट विल बी नॉट आवर कल्चर। लोग उठ रहे हैं अब धीरे धीरे, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये मार्केट में बिकने वाला प्रोडक्ट है और कुछ भी नहीं। आज बहुत सारे लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट के बाहर खड़े होकर कि ये जो है ना, ये प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये खालिस्तानी प्रोटेस्ट हो गया है ना, ये सब प्रोडक्ट है, अभी देखना 2 दिन में हट जाएंगे अपने आप से, नहीं तो खदेड़ दिए जाएंगे अब, क्योंकि कल 5 आतंकवादी पकड़े गए, उसमें 2 बब्बर खान साहब के थे, 3 दूसरे थे, वो ब्लास्ट करना चाहते दिल्ली के अंदर, किसी को मारना चाहते थे, उन्हीं से ये सब प्रोजेक्ट, ये सब पहले से प्लान्ड है, नहीं तो किसी की क्या मजाल की आके अड़ जाए और ऐसे बैठ जाए, ये सब प्लान्ड है पहले से, इट वॉज ऑल प्लान्ड। एनीवे हम टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे, अंदर आते हैं वापिस, तो सुनो मेरी बात, हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, मेन ऑब्जेक्टिव वो होता है टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द ओनर, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द ओनर। फिर और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, देखो कंपनी के अंदर हर समय जब भी पैसे की जरूरत हो पैसा अवेलेबल होना चाहिए, पहली बात। आज कंपनी बिजनेस करना चाहती है, बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, कंपनी के पास डिमांड है, कस्टमर्स हैं, लेकिन पैसा नहीं है, इट मींस कंपनी की क्या वीक है, साफ पता लग जाता है। अच्छा, फिर पहली बात कि पैसा जब चाहिए तब होना चाहिए, और दूसरा टाइम पे पैसा मिलना चाहिए, मनी हैज टू कम ऑन टाइम, पहला सफिशियंट फंड, दूसरा मनी हैज टू बी अवेलेबल ऑन टाइम। अरे आज दिवाली का मौसम है,
दिवाली आने वाली एक महीने के बाद और आपकी पटाखा बनाने की फैक्ट्री है, आप ये बम बनाते हो, पटाखे बनाते हो, आपके पास बहुत बड़ा ऑर्डर है, यू नीड मनी राइट नाउ टू बाय द रॉ मटेरियल, बट मनी हैज कम जस्ट टू डेज बिफोर दिवाली, इट इज यूजलेस फॉर यू। आप समझे मेरी बात? अगर पैसा टाइम पे नहीं आया उसका कोई यूज नहीं है। अगर आज आपको अकल नहीं आई कि पढ़ना जरूरी है और ये अकल आपको मार्च के बाद आई, उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा, यूजलेस हो जाएगी वो अकल। आप बहुत अकलमंद हो जाओगे जब पेपर पास में आएंगे, लेकिन उस वक्त पे सब यूजलेस हो जाएगा। तो टाइम पे अगर अकल ना आए तो काम खराब, ऐसे ही अगर टाइम पे पैसा ना आए ना कंपनी के अंदर, यूजलेस हो। और तीसरा, कैसे पैसे को बढ़ाया जाए, दैट इज द सेकेंडरी पार्ट। ठीक है जी, तो लिखो ऑब्जेक्टिव के अंदर, देयर आर टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नंबर वन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ऐसे लिख लेना आप, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, लिखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। अभी शेयर होल्डर कौन होता है मालूम है आपको? ऑनर। टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, आगे लिखो इसी में कॉमा लगा के, विच मीन्स मैक्सिमाइजेशन, विच मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट प्राइस, the market price oblique value of equity shares of the company, सर हमें कंफ्यूज कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स दिखवाया आपने, प्रेफरेंस शेयर्स वालों के नहीं बढ़ाने होते पैसे, अरे सबको इक्विटी मान के चल रहा है पूरे चैप्टर में, ठीक है, यहां वो लफड़ा मत लेके आना इक्विटी प्रेफरेंस वाला, फॉर इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, यानी कंपनी के शेयर्स का प्राइस अगर रातों रात मार्केट में बढ़ जाए तो कंपनी के पास क्या आ जाता है, वेल्थ बढ़ जाती है कंपनी की। आपको भी सुनना, अभी बोलते हैं अनिल अंबानी जो है, नॉट अनिल, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी तो बर्बाद हो गया, वो तो एकदम जीरो हो गया, उसके सब बिक गए, बांटे बिक गए उसके, लेकिन वो जो मुकेश अंबानी है ना, अभी सारे के सारे किसानी की बात बोल रहे हैं, अंबानी अंडानी को सब बेच दिया, अंबानी अंडानी को सब, अगर ये अंबानी अंडानी भी हमारे देश में ना होते तो हम क्या कुछ मंगवांग मंगे खाते, हम कॉलगेट तो बाहर वालों की बनी यूज कर रहे हैं, अपनी कॉलगेट नहीं बना सकते हम लोग, साबुन हमें वही पसंद आते हैं जो बाहर की कंपनी बनाती है, और कोसते हम किसको है, एक जो छोटी मोटी कंपनियां हमारे देश में है, हमारे देश की कंपनियां अगर आप गिनना चाहो, ये टाटा हुआ, अंबानी हुआ, अडानी हुआ, बिरला ग्रुप हुआ, गिनी चुनी 10-15 फैमिलीज हैं, आपने देखा था लास्ट टाइम पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, 1536 बड़ी कंपनियां 75 फैमिली से संभाली हुई है, 75, 130 करोड़ दुनिया के पीछे सिर्फ 75 अच्छी फैमिलीज हैं, और उनको भी हम पी के पानी कोसते हैं ताकि वो भी बिजनेस यहां से बंद करके चले जाए, फिर नौकरियां कहां करोगे, कहां नौकरियां करोगे उसके बाद, आज सैलरी कहां है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर के प्राइवेट डिपार्टमेंट, जो लोग कोस रहे हैं ना उन लोगों के घर में से हर एक आदमी बाहर है, या तो ट्रक चला रहा है या कहीं बर्तन धो रहा है फॉरेन के अंदर, वही कोस रहे हैं सरकार कि ये सारी कंपनियां बंद करवा दो प्राइवेट की प्राइवेट, पंजाब में से हर एक घर में से बंदा बाहर है, उन्हें समझ नहीं आती कि इनको बंद करवा दोगे तो फिर बाहर वालियां यहां आके बैठ जाएंगी जैसे पहले था, हमें प्रमोट करना चाहिए अपनी कंपनियों को, हम कोसते हैं उनको पानी पीते, ठीक है जी, लेकिन आपको भी सुनना, रातों रात मुकेश अंबानी की संपत्ति डबल हो गई, वो सेकंड नंबर पे आ गया, वो प्रेम जी जो है विप्रो वाला वो 7 नंबर पे आ गया, ये सब कैलकुलेशन कैसे होती है, फ्रॉम द शेयर मार्केट, मार्केट प्राइस अगर शेयर्स का बढ़ जाए तो रातों रात कंपनी की वेल्थ बढ़ जाती है, एक रात में कंपनी अमीर हो जाती है अगर प्राइस मार्केट में बढ़ जाए, 100 का शेयर 1000 में बिकता है, 100 का शेयर 5000 में बिकता है, 5000 में,
4900 उसके ऊपर क्या हो जाता है, प्रीमियम हो जाता है। ऐसे होती है, वेल्थ बढ़ती है। ठीक है जी, ये हो गया प्राइमरी। लिखो सेकेंडरी के अंदर, द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नंबर वन, एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट, एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। देखो सबसे पहला क्या बताया उसने, क्या इंश्योर करना, क्या इंश्योर करना है, कि मतलब हमारे पास कंपनी में जितना पैसा चाहिए सफिशियंट पैसा होना चाहिए, लेकिन कैसे, कैसे एट रीजनेबल कॉस्ट। अरे भाई पैसा ले रहे हो, लोगों से उधार ले रहे हो, या लोगों से आप शेयर्स का पैसा इकट्ठा कर रहे हो, रीजनेबल कॉस्ट में तो लोगे पैसा। ये थोड़ी है आज कि तुम्हें लोगों से पैसा चाहिए, तुम बोलोगे भैया मुझे 80 रुपए दे दे अभी और मैं तुझे 200 वापस कर दूंगा। डिबेंचर्स इश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ इतना 20% एंड रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 100%। अगर ये वाला काम करने लगोगे तो जितनी कमाई हो सारी कहां चली जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स के पास। आप पढ़ते हो ना, लॉस हुआ था डिबेंचर्स में आपके पास, क्या किया था आपने, डिबेंचर्स इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम, डबल लॉस हुआ था ना, एक बार आया था डिस्काउंट फिर आया था लॉस, और दोनों को मिक्स करके क्या माना था आपने, ये क्या है मालूम, ये कंपनी की जरूरत है पैसे की, पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी, तो कंपनी ने क्या किया, लोगों को लालच दिया। कैसे, भैया तुम मुझे 90 रुपए में दे दो, मैं तुम्हें 100 का मालिक बनाता हूं, पहले 100 का वो डिबेंचर होल्डर, और जब वापसी करने का टाइम आएगा तो मैं 100 की जगह क्या दूंगा, तो सीधा प्रॉफिट कितने का हो गया शेयर होल्डर को। आई बात समझ में, ऐसा पैसा जब कंपनी लेती है इट इज वेरी कॉस्टली मनी, इसीलिए पैसा आना चाहिए लेकिन रीजनेबल कॉस्ट पे आना चाहिए। ये ना हो कि पैसा तो आ जाए टाइम पे लेकिन वो इतना कॉस्टली हो जाए कि उसका इंटरेस्ट चुकाते चुकाते कंपनी की कमर टूट जाए। ये पहला सेकेंडरी फंक्शन है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इंश्योर द एबिलिटी ऑफ सफिशियंट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट, पूरा लिखना ठीक है जी। आ जाओ सेकेंड में लिखो, ensuring effective utilization of funds, अब देखो पैसा आ गया। अभी कई बार गलू में क्या होता है, आपने पढ़ा अभी है ना, डिबेंचर्स इश्यूड किए कंपनी ने 10,000, लोगों ने अप्लाई कर दिए 25,000, कंपनी ने सबको प्रोराटा देकर काम चला दिया, लेकिन कंपनी के पास 15,000 डिबेंचर का पैसा पहले एडवांस में आ गया। वो पैसा जब कंपनी के पास फालतू आया होता है ना, मालूम है फालतू पैसा फालतू खर्चे को जन्म देता है। फालतू पैसा जब कंपनी के पास होता है तो फालतू खर्चे को जन्म देता है, इसीलिए पैसा आने के बाद उसका सही तरह से यूटिलाइज करना भी दूसरा ऑब्जेक्टिव है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। वी हैव टू यूटिलाइज द मनी एट अ प्रॉपर प्लेस, जहां जरूरत है, फालतू में पैसा नहीं लगाना। आप कभी खुद देखो आपकी जेब में पैसा आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहला आपका टारगेट क्या होता है, मान लो आज की कोई गेस्ट आया घर में और आपकी जेब में 1,000 रुपए डाल के चला गया, सबसे पहला काम आप क्या करते हो, ना ना मम्मी ना ले तो है, क्या करते हैं, फोन में रिचार्ज करते हो, वो तो यूज हो गया। आगे और कपड़े ले ले, कोई है आप में से ऐसा बच्चा जो अगर 1,000 रुपए गेस्ट लेके गया तो सबसे पहले बैंक में जाए और 500 वहां डाल दे, बहुत बढ़िया, एक भी है ऐसा, अच्छा 10-15 में से एक ही होगा है ना, यही है, यही सबसे बड़ी बात है। मतलब जब मैं जॉब के लिए फर्स्ट टाइम बाहर जा रहा था, मैंने पहले भी इंडिया में पैसा कमाया, लेकिन जब मैं बाहर जा रहा था मेरे फादर मुझे एक ही बात समझाई, बोलता है इफ यू वांट टू अर्न मनी, इफ यू वांट टू अर्न मनी ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड, डोंट स्टे विद द मनी,
ये मेरे फादर के वर्ड्स थे, कभी पैसे के साथ मत रहना। जब तक पैसा तेरे साथ रहेगा तू कभी पैसा कमा नहीं पाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आई कि इसका असली में मतलब डीप में क्या था। फिर मैं जब वहां गया तो मेरे फादर ने मुझे फर्स्ट टाइम में फोन करके पूछा, सैलरी मिल गई? मैं बोला हाँ मिल गई। कहाँ है? मैं बोला बैंक अकाउंट में है, सीधे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो क्योंकि बैंक में आती पैसे सीधे, वहां भी बैंक ऑफ बड़ौदा है युगांडा के अंदर, तो सीधे अकाउंट में चली जाती है। तो मेरे फादर ने बोला तो आरटीजीएस कर दे, मतलब ट्रांसफर कर दे, इधर वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दे अपने इंडिया वाले अकाउंट में, और मैं यहाँ पे तेरी एफडी करवा दूंगा। पहली सैलरी, फर्स्ट सैलरी। तो मुझे समझ में आई तब बात, उन्होंने जो बात कही थी उसका मतलब क्या था, मतलब इफ यू वांट टू अर्न मनी डोंट स्टे विद द मनी। क्योंकि मैं जब पहली सैलरी आई पता क्या सोचने लगा, यार फर्स्ट सैलरी आई है मैंने पता क्या करता हूँ इसमें से, फर्स्ट क्लास ये खरीद लेता हूँ, मैंने पहले प्लानिंग कर ली। लेकिन मेरे फादर का जैसे फोन आया, मैंने उसमें से ना उसमें से सिर्फ 10% अपने पास रख के 40% मतलब 90% जो है वहां भेज दी, इंडिया में भेज दी, उन्होंने यहां पे एफडी करा दी। और मुझे सच्ची में मुझे ऐसी पता नहीं लगा कब कितना कहां इकट्ठा हुआ, मुझे सच्ची में समझ नहीं आई। बस मैंने एक बात दिमाग में बांध ली, फिर मैंने वो गटरी में बांध ली ऐसे करके, क्योंकि फादर की बात जो होती है ना वो पत्थर की लकीर होती है। फिर मैंने उस पर लकीर खींच दी, अब इसके आगे नहीं डालना, वो लक्ष्मण रेखा से पार नहीं करना। मतलब जैसी सैलरी आती थी बैंक के अंदर, मैंने रिटर्न में एक लेटर बैंक को दे दिया दैट व्हेनेवर आई गेट माय सैलरी 90% ट्रांसफर टू अकाउंट ऑफ बीओबी, सेम अकाउंट, लेकिन वो बीओबी इंडिया, वो बीओबी युगांडा है, ये बीओबी इंडिया है सेम। बल्कि यहाँ के कुछ मैनेजर वहां भी आते हैं, हमारा अम्बाला का भी मैनेजर वहां पे आया था, उसकी जॉब थी 3 साल के लिए। तो मतलब पैसे को दूर कर दो। ऐसे कंपनी के अंदर दूसरा काम क्या होता है, पैसा आ गया रिजनेबल कॉस्ट में आ गया, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी इन अ प्रॉपर वे। बहुत ज्यादा खर्चे ऐसे होते हैं कंपनी के अंदर जो सही में नहीं करने चाहिए पर कंपनियां कर देती है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया, क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ मनी इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, आ जाओ तीसरा लिखो, तीसरा लिखो एनश्योर सेफ्टी ऑफ फंड्स। आप सेफ्टी ऑफ फंड कैसे, मतलब उसके लिए मतलब एक वो रख दें, क्या बोलते हैं उसको, स्कारी, क्या बोलते हैं आप में यहाँ, क्या बोलते हो, सिक्योरिटी गार्ड, हमारे सिक्योरिटी गार्ड, मतलब उसके आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करते हैं पैसे को रख के, इसे नहीं बोलते सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है क्रिएटिंग रिजर्व्स, आप समझ रहे हो, मतलब सबसे पहले टाइम पे पैसा आए एट रिजनेबल कॉस्ट, दूसरा पैसे का सही तरह से यूज हो, और तीसरा जब हमने पैसे को सही तरह से यूज करके पैसा कमा लिया उस कमाए हुए पैसे को हम सेफली रखें, मतलब हम उड़ा ना दें, सारा पैसा बांट ना दें, हम जितना पैसा लोगों में बांट। लेकिन कल कंपनी ग्रो करने के लिए जब इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी तो हमारी रिटेन अर्निंग जीरो होगी। आपको मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग या प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ये वर्ड सुने आपने प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी रिटेन अर्निंग मतलब रिजर्व्स, हमारे पास अपने प्रॉफिट में से जो पैसा हम रिजर्व में डाल देते हैं और इन्वेस्टमेंट के टाइम पे से यूज करते हैं उसे बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट या बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। यानी जब तक हम सेफ्टी से पैसे को रखेंगे नहीं, रिजर्व नहीं बनाएंगे, हर चीज के लिए प्रोविजंस नहीं बनाएंगे, तब तक पैसा बचेगा नहीं। हो गई बात समझ? तो तीन ऑब्जेक्टिव हो गए सेकेंडरी, और प्राइमरी क्या था, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। अब वो कैसे होती, मैंने बोला कैसे होती है, वो कैसे होगी, पॉसिबल कैसे है, वो है शेयर्स को बढ़ाने से। ठीक है जी, मार्केट वैल्यू शेयर्स की बढ़ेगी तो उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है, दो टॉपिक खत्म हो गए। सुनो डेप्थ वाली बातें हैं, डेप्थ वाली, घर जाके और लिख लेना इसके बारे में। ठीक है, आ जाओ तीसरे में, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पॉइंट्स में जाने से पहले लिखो थोड़ी सी इंट्रो। ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और वी कैन से ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको कोट भी कर सकते हो हर जगह पे, द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस इज डिटरमाइंड by the quality of its financial management. By the quality of its financial management. इसको ना ऐसे कर लो आप, अंडरलाइन कर लो, इसको कहीं भी ठोक देना आप, इस लाइन को कहीं भी ठोकना, ये चैप्टर की कोट है ये, ठीक है। जैसे प्लानिंग में हमने कहा था ना, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, वो कोड था इसके अंदर, है ना, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, ऐसे इसमें ये कोड डाल देना आप। अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पता करनी हो तो वो डिपेंड करेगी क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर कंपनी के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी है तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होगी। जिस कंपनी में कैश क्रंच है, जिस कंपनी में एक्सपेंशन के लिए पैसा नहीं है, जिस कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन के लिए पैसे की जरूरत रहती है हर वक्त और हाई हाई तौबा मची हुई है, इसका मतलब वहां पर ये चीज की कमी है, फाइनेंशियल रेवेन्यू की कमी, ठीक है जी। कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आप देखोगे, कभी लाइफ में काम करोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे, आप देखोगे इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने सारे एरिया में फैली हुई है, लेकिन कैश क्रंच है, कैश क्रंच मतलब कैश नहीं है, बहुत बिजनेस है लेकिन सब उधार। कंपनी हर वक्त कैश को लेकर तरसती रहती है, और खासकर मालूम है कहां होता है, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के, वहां हमेशा कैश का क्रंच रहता है, वहां पैसा कैश में आता नहीं, और कैश में डेली जो खर्चे होते हैं छोटे मोटे खर्चे, उनको करने के लिए कैश चाहिए होता है, और कैश कंपनी के पास होता नहीं। वहां बल्क में पैसा आता है, लेकिन छह महीने के बाद जब बिल्डिंग आधी बनती है, जब हम बिल्डिंग बनानी स्टार्ट करते हैं तो पहले मिलता है मोबिलाइजेशन फंड, थोड़ा सा पैसा, फिर हाफ पे पहुंच के मिलता है हमें हाफ फंड, और फिर जब पूरी हैंड ओवर करते हैं तो मिलता है हैंड ओवर फंड, और उसमें से भी थोड़ा सा पैसा रोक लिया जाता है फॉर रिटेंशन, मतलब अगर छह महीने अगले रोक ले जाते पैसे 10%, अगर बिल्डिंग टूट गई, दरार आ गई, तो दोबारा से आपको सारा रिपेयर करना पड़ेगा उस पैसे में से। कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऐसे काम चलता है, क्योंकि मैंने काम किया ना 1 साल 8 महीने, जब यहां से लग के गया तो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, ईस्टर्न बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, यहां से जब मैं गया तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, वहां मैंने सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी की अकाउंटिंग देखी है और सीखी है, वहीं कैसे काम होता है, वहां हर वक्त कैश क्रंच रहता है, कैश क्रंच हर वक्त, वहां पैसा नहीं होता कैश हमारे पास, ठीक है जी। तो अगर किसी कंपनी में कैश क्रंच है, किसी कंपनी में एक्सपेंशन के लिए पैसा नहीं, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसा नहीं, उसका मतलब उस कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट पुअर है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाए, आगे लिखो इसमें इसी में आगे लिख लो, some activities and areas which are influenced by financial management are number one, size and composition of fixed assets. देखो इसके अंदर होता क्या है, द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स, द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स
डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कंपनी में कितना पैसा असेट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, कंपनी में कितने असेट्स होंगे, ये डिसाइड कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम पढ़ रहे हैं इनका रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर इन अ बिजनेस, ऐसे भी आ सकता है पेपर में, या व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेगा वो क्या बोला जाएगा, फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है जी, ऐसे भी पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले कंपनी में कितने असेट्स होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा एक कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर, मतलब इट्स अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। कहां पे डिसाइड की जाएगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन वहां पे कौन से डिसीजन के अंदर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तीन तरह के डिसीजन होते हैं, मैंने बोला ना आपको, एक फाइनेंसिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा डिविडेंड, लेकिन तीनों किसके पार्ट है, दे आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लिखवाया ना मैंने आपको अभी इसमें स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। आज नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर टू, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट असेट्स। ठीक है जी, एक कंपनी में कितने करंट असेट्स चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस का हिस्सा है ना। एक कंपनी में कितना कैश एक टाइम पे होना चाहिए, कैसे पता लगेगा, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी कैश में ज्यादा बिजनेस करती है या उधार में ज्यादा बिजनेस करती है। अगर कंपनी कैश में ज्यादा बिजनेस करती है तो कंपनी को ज्यादा कैश की जरूरत नहीं है, फिर कैश ऑलरेडी है, आ जाओ, ठीक है जी, चलो आ जाओ, यहीं से कल आगे स्टार्ट करेंगे, यहीं से आगे कल स्टार्ट करते हैं, बस यहीं रुक जाओ और ये दो टॉपिक पढ़ लेना घर पे जाकर, ठीक है जी, चलो।